नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एचपी स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन रिक्रूटमेंट 2021 की। तो इसमें जो है वो चपरासी के 3 पद हैं और आवेदन करने की अंतिम तारीख जो है वो 31 अगस्त इन्होंने रखी है। तो ये अनरिजर्व वालों के लिए 1 पद है और EWS का 1 पद है और अनरिजर्व भूतपूर्व सैनिक का जो है 1 पद है। उम्मीदवार के पास जो हो आप मैट्रिक पास होने चाहिए और ग्राम डेयरी सहकारी समिति के साथ काम करने का कम से कम जो है वो 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एज क्राइटेरिया इन्होंने रखा है 18 से 45 वर्ष के बीच का। और आवेदन शुल्क जो है वो अनरिजर्व वालों के लिए 500 रुपये देना पड़ेगा और आरक्षित वर्ग को जो है 250 रुपये। और 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट है और एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में नोटिफिकेशन भी जो है आप रीड कर सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो ये 3 पोस्टें डेली बेसिस के आधार पे होगी, ठीक है। और मस्ट कि आपके पास एक्सपीरियंस हो तभी आप अप्लाई करें, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में देख रखा है। एज क्राइटेरिया भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और इन पदों के लिए जो है वो हिमाचल के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट का कोई भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और फीस का आपको मैंने पहले बता दिया और फॉर्म कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, जिसमें आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट, कैटेगरी, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट होम एड्रेस, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंसी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर, और नीचे डिक्लेरेशन है जिसमें आपका सिंपल आपका नाम आएगा, नीचे सिग्नेचर, डेट और प्लेस आपको डालना है। तो सिंपल सा है। और इसमें जो है मिल्क फेडरेशन में सिर्फ एक ही नहीं, 5 अलग अलग पोजिशन के लिए जो है वो 5 है नोटिफिकेशन निकाले गए हैं। इसका लिंक भी आपको नीचे इसी पोस्ट में मिल जाएगा, नंबर 1, नंबर 2, 3। यहाँ पे सेकंड की बात करें तो इसमें जो है वो चौकीदार के भी 3 पद हैं, ठीक है, और चपरासी के 3 पद हैं। इसमें आपके क्लीनर के जो हैं 5 पद हैं, सभी का डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आप क्लिक कीजिए। हर एक पोस्ट का जो ये अलग अलग सेपरेट में लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। और गेस्ट हाउस अटेंडेंट के जो है वो 2 पद हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो सेम ही है, 31 अगस्त, उससे पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक बार अप्लाई करने से पहले पहले आपको सेल्समैन का इसमें 1 पद है, जिसमें क्वालिफिकेशन आपका +2 होना चाहिए, क्राइटेरिया एज का वही है और फीस का भी सेम ही है, ठीक है। और इसका भी फॉर्म और नोटिफिकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, सिंपली आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड करके फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकते हैं। तो और कुछ क्वेश्चन क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।